चंबा। दूर गहरी अनजान वादियों में बसा हुआ एक नगीना। चंबा शहर नगीना, जाना एक दिन तो लग जांदा महीना। खूबसूरती यहाँ पे नज़ारों से, बहारों से लेकर मासूमियत की मुस्कराहटों में से झलकती हुई एक नहीं तो अनेक कलाओं में समा जाती है। कभी रुमालों की रंगीन धागों में, कभी थाल की चमक में, तो कभी चंद्रहार की नज़ाकत में। यही कला की आवाज़ इन वादियों में गूंजती रही है अरसों से। ऐसे ही खोई हुई गूंज की खोज में हम निकले। काष्ठ कला, चंबियाली काष्ठ कला, बड़े बड़े आढ़े टेढ़े लकड़ियों को काष्ठकार अपने हाथों से आकार देके उनमें जान डालते हैं। हम काष्ठ कला के इतिहास की पन्नों में झांकते हुए पहुँचे भरमौर, भरमौर के लखना माता मंदिर। पूरा जो लकड़ी का बना है तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, मतलब कैसा है? ये जो लखना माता जी का मंदिर है, ये राजा मेरु वर्मन था, उन्होंने इसका निर्माण किया था। अच्छा। बताते हैं साथ में आप मुस्ताबी जी का बता रहे हैं। अच्छा। अच्छा। और ये जो बात जो लकड़ी का पूरा बना है, ये अखरोट की लकड़ी है। अखरोट की? हाँ जी। अच्छा। और माता का मंदिर जो है बहुत पुराना है। लकड़ी से क्या होता है, एक यहाँ पे एक मिस्त्री हुआ करता था, मतलब जबरदस्त मिस्त्री था। तो उसने क्या बनाया, सबसे पहले अपना घर बनाया ना, सबसे पहले ये मंदिर बनाया टेंपल। उसके बाद एक राजा हुआ था, उसने फिर उलंसा में बनाया अपना एक घर। उसके बाद माता उसका, फिर राजा ने उसका एक हाथ काट दिया। अच्छा। काटा कैसे काट दिया कि ऐसी कारीगरी तू कहीं भी और जगह नहीं कर सके। तो फिर एक यहाँ शिव शक्ति माता मंदिर है चतराड़ी जगह पे, तो उसने माता ने बोला कि यहाँ पे आओ आप और मेरा मंदिर बना दो। तो उसने बोला माता मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो हाथ काट दिए हुआ है। तो बोला ऐसा कुछ नहीं, आप आ जाओ, एक हाथ से बल मैं दूंगी। तो उसने पूरा मंदिर बनाया था ना, जब वो पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया था ना, ऊपर से गिरा था ना, नीचे आके डेथ हो गई। काष्ठ कला की युगों से चलती आई हुई इस अद्भुत बारीकी को मन में रखते हुए हम निकले। इस सदी के चंबियाली काश्तकारों की कला का अनुभव लेने। मेरा नाम मुकुंदचंद है। आपका? सुनीता देवी। मैं रिटायर फौजी हूँ, नाम मेरा भगवान दास है। मेरा नाम जगीर कुमार है। ये तो पैतृक जब बुजुर्ग आए तभी किए। अच्छा। अच्छा। फिर भी कितने टाइम से, या मतलब साल कितने हुए? 200 वर्ष। 200? अच्छा, मतलब इधर से ही? हाँ, इधर से ही हो आप। अच्छा। दादा परदादा सारे करते थे। सारे करते थे। अच्छा, तो आपने उनसे ही सीख के ये चालू कर? हाँ जी, उनसे सीखा। अच्छा। ये हमारा खानदानी काम है। अच्छा। दादा परदादा यही काम करते थे। अच्छा अच्छा, हमने भी उन्हीं से सीखा है। स्कूल में जाते थे तो भी दुकान पर काम, दुकान में यही वाला काम काम करते थे, यही काम है हमारा। मेरे दादा जी करते थे ये काम ना। अच्छा, मतलब आपका ये खानदानी खानदानी है पहले से ही? दादा परदादा करते थे। और लकड़ी का फूल बन सकते हैं, फिर लकड़ी के ये जैसे जानवर हैं ये बन सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर ये लकड़ी के बर्तन आ गए,
पुराने के लिए तो वो बड़े बड़े घड़ी भी बैर बनाए रखते होते हैं, बड़ी बहुत सुंदर होती थी वो भी। वो ये मशीन से होता है, वो हाथ से करते थे। इस काम के लिए बहुत टाइम लगता है सीखने के, उसको एक एक हफ्ता भी लग जाता है। हाथ का काम है, मशीन का नहीं, पूरा हाथ का। जैसे ये इसकी गुलाई वगैरह देते हैं, ये सारे मेरे दादाजी ने सिखाई हुई है। अच्छा। ये दादाजी करते थे मेरे, जैसे एक लकड़ी का बनाया हुआ हमारे लिए होता है ना, आटा बनाते हैं ना गूंथते हैं, ये भी वैसे उसका नहीं होता था पहले, ये भी पीतल का हुआ, स्टील का हुआ, जैसे लकड़ का होता था उसकी भी निकालते थे। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बनाई हुई थी, इसी से फिर उन्होंने करते रहते थे, हम भी देखते रहते थे, वैसे वैसे ट्राई करते थे। मंदिर बना दिए, ये होके आके बना दिए, गांव के लोग तंबाकू को कैसा पीते हैं ये। हाँ। उनके अच्छा चंबा रुमाल मशहूर ये है। हाँ, ये चंबा ये का। हाँ। ये लड़कियां ले आती हैं कपड़ा। हाँ। सेंटर से। अच्छा। हम फ्रेमिंग कर देते हैं ये। अभी शोपीस के लिए होता है, सिर्फ दिखाने के लिए, घर में रखने के लिए। कुछ कुछ चीजें होती है इसमें यूजेबल के लिए, नहीं तो लकड़ी के ग्लास में कौन पानी पिए। ये तो शोपीस के लिए रखा है ना, ठीक है। बाजार से मिल जाती है, पंजाब से आती है, बाजार में लोकल मिल जाती है। लकड़ी तो ग्लेशियर रहता है, उसमें यहाँ से लाते हैं। अच्छा, मतलब वो सामने उस तरफ। अच्छा, यहाँ तो गवर्नमेंट कैसे देगी। अच्छा। हम साल के लाते हैं, एक बार साल की एक बार में ले आते हैं। जैसे ये आया ग्लेशियर तभी जाएंगे ना, फिर ये जो दरिया है ये आता है उसमें आती है। अच्छा। ऐसे काट नहीं सकते लकड़ी? नहीं नहीं, काट नहीं सकते, मना है। लकड़ी तो तीन चार किस्म की होती है ना। अच्छा। सभी लकड़ी का बन जाता है ना, जैसे अच्छा। कार्विंग करनी है तो हर एक लकड़ी में कार्विंग हो जाती है, पर उसके लिए सख्त होना चाहिए लकड़ी और कार्विंग करने के लिए। लाइट वेट में बर्तन बनते हैं, जैसे गिलास आ गया आपका। अच्छा। फिर ये डंडा कुंडा आ गया, ये तो भारी में बनते हैं ना, जैसे अखरोट के, खनूर के। लाइट के तो ये आ गया ना, खनूर आ गया। अच्छा। फिर एक कोई बोलते हम अपनी भाषा में, कोई कोई। हाँ। अच्छा कोई। अच्छा अच्छा। आगे तो ज्यादा हम प्रदर्शन लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है ना। अच्छा। हाँ, जैसे आपके हिसाब से ही आप करते हो, आपके कॉलेज में भी तो लगाई है हमने। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वहाँ बुलाते हैं ना अभी। मान के चलो जैसे हमारा पापा, ठीक है। हाँ। हमारा पापा जो है वो कारपेंट्री का काम करते हैं, हम भी घर में होते हैं, हम बेले हो गए तो हमने भी ऐसे ऐसे लगे रहना, एक नई नई लगे रहते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे हम भी ये काम सीख रहे हैं, मतलब सी इतने नहीं सीखे, हम परफेक्ट नहीं होता, हम कर लेते हैं। दादाजी आपके जो करते थे तो वो क्या क्या चीजें करते थे इसमें? वो सिंपल लगाते थे, ज्यादा कार्विंग करते थे, ज्यादा कार्विंग का काम ज्यादा होता है। जैसे ये चौकटे हैं, इसमें कार्विंग होती थी, दरवाजे में कार्विंग होती थी, जैसे 2 इंच का फट्टा लगा दिया। हाँ। उसमें कार्बन निकालनी है। ये दिक्कत है कि ज्यादा आपकी बिक्री नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है। अच्छा। तो नहीं होती है, ज्यादातर इसी से होता है फिर। हाँ। परिवार का तो मतलब अगर आपकी बिक्री बढ़ जाए तो वैसा इंटरेस्ट भी आपके परिवार वाले वो भी बढ़ सकता है, परिवार वाले भी कह सकते हैं ऐसे। जैसे भी लड़का वो देखा कि ये आउटफुल आ रही है तो ऐसे करता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ ऐसे। अच्छा। बेटा तो बोल रहा है कि भी आप तो ऐसे ही कर रहे हो यार, तो मैं ये नहीं करना, मैंने कोई और करना है, कुछ और करना है। हाँ। पता हम सभी अपने अपने काम है, हम भी जैसे टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। ये जो बड़ा भाई है ये भी पढ़ाई वगैरह करता है, कॉलेज वगैरह में उसने जीएफटी वगैरह करके रखी है, बीएड वगैरह कर रहा है, सब कुछ कर रहे। तो बाकी घर में कोई काम करने वाले है नहीं, पापा ही करते हैं। मैं तो अभी अकेला करता हूँ, पर गवर्नमेंट ने दिए थे सेंटर, उसमें थे 10 बंदे दिए। अच्छा। पर दो महीने का सेंटर था, उसमें क्या सीखना है, ये इस काम के लिए बहुत टाइम लगता है। हाँ, सीखने में। हाँ। और काम करने में। हाँ। फिर आज की जो जनरेशन है ज्यादा पैसे देते हैं, काम को नहीं देते। सही है। काम पैसा दो तो काम सिखाओ। हम जितने काश्तकारों को मिले उनका काम देखने के बाद हम सिर्फ याद कर रहे थे लखना माता मंदिर की काष्ठ कला को। इस सदी में काष्ठ कला की अद्भुतता और बारीकी खो गई है। द इंट्रिकेसी विद इन इज फेडिंग अवे।